So guys, welcome back to the channel. This is Rajlochan. Place, new town, Kolkata. Actually, puja ka time hai abhi Kolkata mein yahan pe jitna ho sake thoda. Actually, my uncle passed away few days ago. So is baar is hisab se hum log puja nahi mana rahe. Jitna ho sake meri taraf se main try kar raha hu aap sabhi ko dikhane ke liye the logical twist of the Durga Puja in Kolkata. Din mein kis tarah se hote hain ya fir raat mein bhi kis tarah se hote hain. Also from my side, that's 360 view and all those things mere hisab se dikhane ke liye try karunga, but वेदर अभी अच्छा ही है, मौसम अच्छा है और इस वक्त मैं हूँ न्यू टाउन के साइड में और यहाँ से निकलूँगा अभी पूरा दिन के लिए निकलूँगा. अभी दिन नहीं, मतलब लगभग शाम का वक्त हो चुका है, ऑलमोस्ट 3 पीएम के आसपास. तो जितना हो सके दिखाने के लिए ट्राई करूँगा. हाईवे के बस साइड में खड़ा हूँ, थोड़ा नॉइजी हो सकता है. लेट्स मूव. सो गाइज, फाइनली मैं एंटर कर चुका हूँ कोलकाता का एक अमेजिंग मंडप में. आप देख सकते हो द स्ट्रक्चर इज़ लुकिंग रियली अमेजिंग, बहुत ही अच्छा है. द बेसिकली द बंगाल पीपल्स, आप कह सकते हो द बेंग फॉर द बंगाल इज दुर्गा पूजा इज़ द वन ऑफ द रेनाउंड फेस्टिवल फॉर डैम. और जिस हिसाब से एज लाइक एज वी एस मीज हम लोगों के लिए बिहू होता है द मेन फेस्टिवल फॉर आज, उस हिसाब से ये लोग दुर्गा पूजा बहुत ही अच्छी तरह से मनाते हैं. सो अभी हम मैं थोड़ा अंदर जाऊंगा, इस हिसाब से आप देख सकते हो. आज एक्चुअली मैं दिन में आया था, ये दिन वाला जो साइट होता है, जो सीन होता है, वो थोड़ा मैं आप सभी को दिखाने के लिए. आप देख सकते हो थोड़ा यहाँ पे भीड़ भाड़ थोड़ा कम है, उसी हिसाब से मैं जितना हो सके मेरी तरफ से आप सभी को मैं कुछ ना कुछ दिखाने के लिए मैं ट्राई करूँगा. एंड आई होप कि आपको अच्छा भी लगेगा. और हो गया क्या, इट्स एक्चुअली हम कह सकते हैं दुर्गा पूजा इज नॉट ओनली फॉर द बंगाल पीपल्स, फॉर ऑल द हिंदू पीपल्स दे फॉलो माँ दुर्गा. और कहना चाहूँगा कि इस पूजा के अंदर होते हैं क्या, बेसिकली बुराई का नाश होता है और सच्चाई का जीत होता है. दैट इज़ व्हाई इट्स वन ऑफ द अमेजिंग एंड रिचुअल हम कह सकते हैं इन द हिंदुइज्म. इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, मिड ऑफ सेप्टेम्बर और आप कह सकते हो अक्टूबर के बीच में दुर्गा पूजा स्टार्ट होते हैं. जब मोहल्ला स्टार्ट होते हैं उसी दिन मानते हैं कि तो हिंदुइज्म बेसिकली दे बिलीव दैट माँ दुर्गा यूज टू कम फ्रॉम द हेवन टू द आर्ट और वह आर्ट में आते हैं और जितना भी हो बुराई का यहाँ पे ख़त्म करते हैं और उसके बाद फिर वो एक साल के लिए चला जाता है. उसी हिसाब से दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड अमोंग द हिंदुइज्म. बट दुर्गा पूजा के टाइम अगर आप कोलकाता में हो, इट्स अमेजिंग डेस्टिनेशन फॉर यू बिकॉज यहाँ पे आपको कम से कम 10 to 20,000 के ऊपर में द होल रीजन ऑफ द कोलकाता. अगर मैं कोलकाता के बारे में बात कर रहा हूँ, बाहर में आप जाएंगे तो वहाँ पे और कुछ भी मिल सकता है आपको, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास जो डाटा है उसी हिसाब से मैं कहना चाहूँगा मोर देन टेन थाउजेंड मंडप आपको यहाँ पे दिखाई देंगे. तो इतना तो घूम पाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, एक बंदा दिन के अंदर पूरा घूम नहीं सकता. तो मेरे पास एक दिन टाइम था, जितना हो सके मैं कुछ घूमा और वही मैं कुछ आज सीधे आप सभी के साथ शेयर कराया. मैं होप कि आपको अच्छा लगेगा. लेट्स मूव. हम कह सकते हैं द दुर्गा पूजा इज़ टोटली अनकम्प्लीट विदाउट द साउंड ऑफ ढाक. ढाक एक पर्टिकुलर का एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेसिकली यूज टू बीट इन दुर्गा पूजा, और विदाउट द साउंड ऑफ ढाक द पूजा इज़ टोटली इनकम्प्लीट. और आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से ये लोग परफॉर्म करते हैं, किस तरह से दे यूज टू फील द जॉय विद द फेस्टिवल.
सो गाइज, फिलहाल आपको मैं रात के टाइम में 2-3 मंडप यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। एक्चुअली बहुत सारे मंडप हैं यहाँ पे, सब कुछ घूमना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। यहाँ पे कुछ मंडप मैंने विजिट किया था, वो सब मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, जितना हो सके मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। और कहना चाहूँगा कि रात के टाइम में यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। फ्यू ग्लिम्पस दैट आई हैड लास्ट इन दुर्गा पूजा। तो मेरे तरफ से मैं आप सभी को कुछ ना कुछ दिखाया, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ गो फॉर अ लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अमेजिंग और कोई भी दूसरा ट्रैवल ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।